तो कुछ वहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ और उसके बाद इन्होंने थोड़ा इसके बाद जो दो औरतें थी अचानक से भाई देखो देख रहे हो पांडे और मेरे साथ सुन भाई। और आज मैं ना जहाँ पे हूँ सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की वजह से भाई। नई गाड़ी के बाद क्या होता है पता क्या होता है भाई, दोस्तों को पार्टी दो, सबको पार्टी दो भाई। इन्होंने बोला कर पार्टी देनी है तो एक जगह है इटावा, वहाँ पे आओ और वहाँ पार्टी दो। और यहाँ की जो लोकेशन है गाँव में थे, इन्होंने जबरदस्ती बुलाया हम लोग और अपने यार बड़े भाई हैं, प्रिय मित्र हैं, जैसे हम खुद आ गए। मैंने पांडे बोला पांडे चल चलते हैं। और इन्होंने एक जगह बताई कि भाई वहाँ पे ना कुछ है भाई, पूरे गांव वाले कंफ्यूज है। उस गांव का नाम थोड़ा सा डीडू करके कुछ गांव नाम का हाँ। उस गांव का नाम मतलब अजीब सही है हाँ, डीडू वाले गाँव का उस नाम है। और वहाँ पे लोग ना कन्फ्यूज है कि भूत है या फिर कुछ लोग डराने के लिए कर रहे हैं भाई। अभी इस बारे में तो सुनील भाई ज्यादा जानते होंगे क्योंकि गांव इनका ही है। जो मुझे पता था ना बता दिया आपको। और कहते हैं कि ना यहाँ पर एक, जैसा कि सुनील भाई ने बताया कि यहाँ पर ना एक लड़की दिखती है रात में जो लिफ्ट मारने की कोशिश करती है, या मतलब गांव वालों के मुताबिक भी और सुनील भाई के मुताबिक भी ऐसा ही है कि कोई एक लड़की दिखती है लिफ्ट मारने की कोशिश करती है। गांव वाले हैं ना वो बताते हैं कि यहाँ पे एक लड़की है जो रोड पे दिखती है। वहाँ पे आ गए और आपको दिखाऊं लोकेशन, ये वो लोकेशन है जहाँ पे ना एक लड़की दिखती है। आपके और उसकी स्टोरी है ना कि एक लड़का था, उसको ना उसने धोखा दे दिया और लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उसके हाथ में भटकती है। अब कई लोग बोलते हैं भाई कुछ अलग चीज है, कई लोग बोलते हैं गांव वाले कि भाई नहीं सच में उस लड़की आत्मा है भाई। वो ही देखने के लिए आज हम इस रोड पे आए हैं। और सुन भाई, हाँ भाई, अब डर क्यों रहे हो? आपका ससुराल है? डर नहीं है, डरते नहीं, डरो मत यार। और सबसे बड़ी बात है ना भाई टाइम की, टाइम हो रहा है रात के तकरीबन ना अभी तो 12:30 या ऐसे 11:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। 11:40 हो गई। और रोड भी भाई काफी अच्छा है, सुनील भाई ने कैसी जगह बुला लिया है भाई, देख के डर लग रहा है मतलब बहुत अजीब सा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना देखो, जैसे जैसे ये पेड़ थे अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से कोई चीज ऐसे निकल के कुछ हाँ। सामने आ जाए, क्या आ जाए कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ऐसा कई बार हम लोगों ने ऐसी चीजें तो फेस करी बहुत, है बहुत बहुत यार। तो भाई चल रहे हैं। और अच्छा ये स्टिकर में सोच रहा है ये क्या पे भाई, उन्होंने अभी तक इस गाड़ी का ना वो भी नहीं उतरा, क्या बोलते हैं उसको जो फूल वगैरह लगे रहे वो, अच्छा जो यहाँ से स्पीड में आएगा वो गिरेगा ही गिरेगा। अच्छा अब यार एक बात, आप यहाँ पे कोई लड़की दिख जाए हाँ तो अनबैलेंस तो होना है, तो नॉर्मल है। लड़की को देते और ये बता देते हैं कि वो लड़की ना बड़ी स्मार्ट हुआ करती थी। अच्छा मेरे गांव में मतलब थोड़ा शहर में रहता है तो शहर में रहता था, उसके लिए ना वो अच्छे से कपड़े लाता था लड़की के लिए, लड़की के लिए तो वो सोचते हैं कि लोग बाग वो उड़ी कपड़ों में रहती थी मोस्टली। अच्छा प्यार था क्या था भाई, वो तो वो ही था बट कहते हैं लड़की आज भी दिखती है ना। हाँ लड़की दिखती है, ऐसा नहीं रोज दिखती है मतलब महीने में दो चार बार। अच्छा एक्चुअली में हुआ क्या था, अरे हुआ? उसको धोखा मिल गया था। धोखा मिल गया। अच्छा लड़की को धोखा मिल गया, लड़की ने शादी कर ली। हाँ फिर लड़के शादी उसने और ये जो पॉइंट था ना मोस्टली इसके बगल में खेत है उसका। हाँ ये रहा पूरा खेत लड़के का। अच्छा लड़की का, लड़के का, लड़के का। अच्छा फिर अपन लेफ्ट लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे आती थी। जो चुड़ैले आत्माएं ऐसी चीजें होती है ना वो अक्सर बिल्लियों का रूप लेके या सांप का रूप लेके ऐसे जंगली जानवरों का रूप लेके वो ऐसे सामने आ जाती हैं। और अभी जस्ट देखा तो सामने की बिल्ली ने एक रास्ता काटा और बिल्ली का कोई मतलब था नहीं यार, बिल्ली का कोई मतलब था नहीं। और सबसे बड़ी बात की ना हमारे एक ये सारी चीजों को अगर नजरअंदाज करें तो हमारे रुकने का मेन मकसद भी यही है कि हमारे सनातन धर्म के हिसाब से बोला भी जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें रुक जाना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे को ना अब ज्यादा लग रहा है ना ऐसे बिल्ली का दिख रहा है यार, क्योंकि सुन भाई कहाँ कौन जगह है सुन भाई, ये गांव
तरह से लूटपाट जैसा सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे, ये सब चीजें नहीं है, बस भूतों का सिस्टम, भूतों का जो है वो रियल का सिस्टम है। मतलब देखो नहीं, अगर ऐसा लूटपाट जैसा सिस्टम है तो अपने बैग से हम अपना सामान जो भी हमारा निकाल सकते हैं सेफ्टी के लिए। ऐसा नहीं है, मतलब पहले तो योगी जी हमारे, योगी जी एक्टिव हुए हैं तो इन चीजों से तो बहुत कम। योगी जी तो बाद में आएंगे लेकिन पहले तो अपनी सेफ्टी जरूरी है ना यार, कहीं बाई चांस अभी आ ही जाए तो, अभी तो योगी जी नहीं आएंगे ना, अभी तो हमें अपनी खुद की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। भाई ये क्या है? भाई किसी ने ड्रिंक और किसी ने ड्रिंक किया पे यार। अच्छा 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 अच्छा, समझ रहे जगह सेफ नहीं है मतलब। चलो भाई मेरे को लग रहा है कि आप काफी टाइम हो गया आपको यहाँ पर आए हुए है ना, दिल्ली में रहता हूँ। हाँ तो आपको ना, मेरे को अब यही लग रहा है कि यहाँ पर ना, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना जो मैं बोल रहा हूँ ना, लूटपाट जैसे ऐसा चलता होगा, चलता का सीन हो सकता है, हो सकता है, कोई नहीं निकलते हैं, चेक करेंगे घूम रहे हैं अभी तो देखेंगे, जब तक पॉसिबल होगा तब तक देखेंगे क्यों दिखता है क्या। बाकी ना ऐसी बहुत क्या मौसम है, एक पे कर दो, तो एक पे कर दिया, एक पे कर दो, दो पे वो मैं इसी बंद कर दूँगा, बस बंद हो गई इसी। तो गाइस अपना चेक कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं है। तो बहुत चल रहे हैं, देखते हैं ना क्या होता है। हाँ तो देखना तो है ही, अब तो आ ही जाए तो, लेकिन मेरे को तो यही लग रहा है कि वो क्या था, गड्ढा का सामने बगल में। अच्छा 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 अच्छा, गाइज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो इस रोड पूरा सुनसान था, हम दूसरे रोड पे थे और कुछ लोग यहाँ पे खड़े होके कुछ अजीब सी चीज़ें कर रहे थे रात को, जैसे किसी का वेट कर रहे थे। भाई मैं बहुत दूर खड़े होके मैं बिना कुछ बोले वहाँ पे हम वीडियो को, ये देखो दो औरतें हैं, एक लड़का है और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा, जैसे ये देखो रोड के बीच में खड़े हैं, किसी के आने का वेट कर रहे हैं, कोई आए तो लूटपाट करें, ऐसे खड़े पूरा घेर के खड़े हैं और ये छोटा सा बच्चा भी ले रखा है शायद ये, और ये देखो हाथ में उसने ले लिया, ये शायद ऐसे बच्चे को दिखा के लिफ्ट मांगते हैं या क्या करते हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं आया। तो हम बस एक दूर खड़े थे कहीं पे और साइड में बस छुप के इनको देखने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये कर क्या रहे हैं, इनका इरादा क्या है ऐसे ऐसे खड़े होके यहाँ पे लोग को देखने का और करने का। देखो ये देखो साइड में, अब ये देखो सामने आ गए, फिर से सामने आ गए। भाई लगभग भी मैं वहाँ पे एक घंटे खड़ा था और ये लोग ना एक घंटे वहाँ पे खड़े थे, बट कोई आ जा नहीं रहा था तो कुछ वहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ। और उसके बाद इन्होंने थोड़ा, इसके बाद जो दो औरतें थी अचानक से, भाई देखो देख रहे हो उस तरफ जंगल है, इस तरफ पूरा जंगल खेत हुए थे, कोई घर वर कुछ नहीं है, वो दोनों औरतें चली गई, सिर्फ उसे भी लड़का था और इसके हाथ में छोटा बच्चा, आसपास कोई घर नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये कर क्या। कोई लड़की है, कोई लड़की है भाई, यहाँ कोई नहीं है यार। भाई तू आराम से, अरे यार मेरे को लग रहा है यार, क्या लग रहा है यार, कोई है यार, कोई लड़की, ओ देख 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 देख, अरे यार कोई है, कोई है, कोई लड़की है, कोई लड़की है भाई। ओ भाई कहाँ गई, ओ भाई वो तो जंगल के अंदर ऐसे झाड़ियों टाइप में ऐसे कहीं से। पर यार कुछ तो गड़बड़ है यार, यहाँ पे यार कुछ तो अजीब है भाई,
मतलब वो लड़की दिखी एंड सडनली वो चीज गायब एंड वहां पे कोई भी नहीं था। मैं बोला था ना कि वो दिखती तो है। या तो यार पता क्या होता है ऐसी जगह पे ना लूट मार का लूट पाट का सिस्टम कुछ यार, यहां ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो चीज चल मैं मानता हूँ कि चल वो चीज हो, लेकिन जैसे वो सही साइड में गई तो वो चीज दिखनी तो चाहिए। तो भाई जब वो भूत है तो दिखेगी ना। अरे यार भूत सुनो ये तो गलत है इधर वो गांव वालों की, भूत ऐसे दिखता नहीं यार इतना क्लियर। हाँ वहां पे मतलब कुछ तो गलत है वहां पर भाई, क्योंकि भूत ऐसे नहीं दिखता कभी नहीं यार कभी। ऐसे कोई लड़की दिख रही है यार वेस्टर्न ड्रेस में, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे मिनी स्कर्ट पहने कोई चीज सामने से जा रही है। मैं तो फट मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई गाड़ी सामने से जा रही है उसको रोकने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कोई लड़की सामने से जा रही है एंड जैसे वो रुके तो लूटपाट करने के लिए। देख लेते हैं क्या होता है, सुना देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ओके।